रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। नागपुर पांचपावली में ASI की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। पांचपावली थाने में कार्यरत 56 वर्षीय सहायक पुलिस उप निरीक्षक की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक हिंदा रोड गेडाम लेआउट निवासी सुभाष काशीनाथ सोंदरकर है। गत गुरुवार 14 नवंबर की रात 10 बजे वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार सोंदरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका मेडिकल के ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा था, जहां उपचार के दौरान बुधवार 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे के दौरान सुबह सोंदरकर ने दम तोड़ दिया। उनका शाम 7 बजे डिंगडोह घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, DCP विवेक मसाल, सेवानिवृत्त ASP वसंत श्याम व अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं मृत्यु के बाद सोंदरकर के नेत्रदान किए गए। नागपुर शहर पुलिस दल की ओर से डिंगडोह घाट पर सोंदरकर को 8 पुलिस जवानों ने 3 राउंड फायर कर सलामी दी गई। दूसरी खबर सामने आ रही है, नागपुर में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति के घर में हुई चोरी। जहां बगड़गंज इलाके में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमने के घर से अज्ञात चोरों ने नकदी वगैरह सहित 60,000 रुपए के सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया है। यह वारदात मंगलवार तड़के 2:30 के दौरान हुई है। ज्योति पिछले हफ्ते से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह अमेरिका गई हुई थी। वहां से मंगलवार को तड़के 3 बजे नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थी। इसके चलते ज्योति को लेने के लिए उनके भाई सतीश और भाभी कंचन आमने वह 2 बजे के बीच में ही घर से निकल गए थे। घर में ताला लगा हुआ था। जैसे ही वह एयरपोर्ट में पहुंचे और घर में वापस आने के बाद देखा तो पूरा घर का सामान तहस नहस पड़ा हुआ था। इस जानकारी में पता चला है कि ज्योति की फेवरेट अंगूठी यानी कि 3 अंगूठी भी चोर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तीसरी खबर सामने आ रही है, टिकटॉक पर लगे बैन, हाईकोर्ट में याचिका, अश्लीलता फैलाने का आरोप। मुंबई उच्च न्यायाधीश में एक जनहित याचिका दायर कर वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस ऐप पर बेरोक टोक अश्लील कंटेंट अपलोड किए जाते हैं और यह देश के युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यह 3 बच्चों की मां हीना दरवेज ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं में दायर किया गया है कि टिकटॉक की वजह से अपराध कई घटनाएं हुई है, कुछ मामले में हत्या भी हुई गई है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। दर्शकों साथ में मैं बता दूं कि अगर आप हमारे एमएनएस हिंदी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको दी जाएगी एक फ्री टी शर्ट। तो जल्दी एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।